का है? पवन कुमार नाम है साहब। क्या मामला क्या है? मामला साहब ये, मैं बच्चा जेल में था, उसमें को शाम को 7 बजे 6 बजे करीब फोन दी किया कि आकर आपका बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिला साहब। हाँ, फिर सुबह मेरे को 5 बजे फ़ोन किए कि आपके बच्चे का तबीयत ख़राब है, जिला अस्पताल में मैं लेकर आ रहा हूँ। आप जब मैं यहाँ आया देखा तो मेरे बच्चे की मरी हुई बॉडी मिली। क्या नाम है? बच्चे की तबीयत कम खराब है, इसको मारा गया। अरे यार काहे तुम बोल रहे हो अभी तुम्हारा? क्या नाम है आपके बच्चे का? शुभम कुमार गौतम साहब। किस मामले में जेल गया था? 302 में साहब। कब? लगभग 17 महीना हो गया साहब। कितनी उम्र है इसकी? 20 साल हो गया साहब। तो इसकी तबीयत खराब रहती थी साहब? 1-10 दिन हो गया तबीयत खराब हुए, बताया जब ही मतलब वो किया हमने वो जज साहब। अभी आप क्या कह रहे हो, क्यों प्रदर्शन हो रहा है यहाँ? साहब इनको मारा गया यहाँ पर, मैं बच्चा नहीं वैसा मना मार के मारा गया। क्या मांग है आपकी? साहब मैं क्या मांग करूँ साहब, मैं बच्चा देखो कैसा, मैं क्या मांग करूँ साहब। नाम क्या है? नाम क्या आपका? राजेश कुमार नाम है। क्या हुआ, कहा इतनी भीड़ लगाई? ये भीड़ इसलिए लगाया कि इनका ये बच्चा है और ये सुबह इनको सूचना मिली है कि बच्चे तुम्हारा जिला अस्पताल पर आ जाओ, बच्चे की इलाज हो रहा है। इलाज जब यहाँ पर पहुँचे तो उसकी मृत्यु नहीं होगा क्या? हम आ रहे हैं कुछ नहीं हो, उसको मार दिया बताओ। 100% बच्चे की हत्या हुई है। मेरा बच्चा है, 20 साल जेल में था, 302 मामला था साहब। आज कल मेरे को मालूम मिला कि मतलब पुलिस वाले ने फोन किया कि आपके बच्चे को जिला अस्पताल लेकर आ रहा हूँ। शाम को 7 बजे मैं आया, पूरी अस्पताल छान मारा, फोन जांच किया, कहने यहाँ कोई बच्चा नहीं आया आपका। अभी सुबह 6 बजे दे फोन किया, 5 बजे कि आपका बच्चा जिला अस्पताल में है। तो आए यहाँ पर तो देखे मेरे बच्चे की बॉडी लेके जा रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं उधर। सर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन हो रहा था, क्या था और क्या स्थिति है? ये एक बच्चा जो है जो जिला अस्पताल वहाँ पर जिला कारागार में नियुक्त था, उसे जो है बीमार होने के कारण जिला अस्पताल में लाया गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु होने के बाद जो है उनके परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा था। उनका ये कहना था कि नहीं, इसकी जो है मृत्यु जिला कारागार में ही हो गई थी, यहाँ नहीं हुई थी। उसको लेकर के जो है उनका थोड़ा सा उनको कष्ट था, दुख था, इसीलिए उन लोगों ने डेडबॉडी को जो है यहाँ सड़क पर रख करके उनकी मांगे थी कि उनको जांच करा लिया जाए, कि मृत्यु का सही कारण पता चल जाए और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस प्रकार का पूरा उसको आश्वासन दिया गया है, इसके पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इस पर इन लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए बॉडी को अग्रिम जाँच के लिए कार्यवाही मार्जूल ले गए। कौन से मामले में निरुद्ध था ये? किस मामले में निरुद्ध था इसकी जानकारी तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि तत्काल घटना हुई तत्काल इनको सूचना मिली है। परिजनों ने जिस तरीके से नाराजबाजी की है, आरोप लगा रहे हैं कि हाँ जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, ये बात तो जांच का विषय, जांच करके हम देखते हैं क्या हो, जांच होगी इसकी पूरी तरीके से, जांच के बाद पता चलेगा मिलने नहीं दिया गया क्या कारण था, ऐसा कौन सी बात हो गई। परंतु आज तो ये दुख का समय है, बच्चा जो अभी 20 साल लगभग उसकी उम्र थी। अगर अब क्या स्थिति है अभी वो जांच के लिए वो बेहतर जो है सड़क जाम है, सड़क जाम के लिए हट गया, सड़क जाम खुल गया है।